सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूँ पोकेमोन यूनाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। अब देखो, कोई मैच मैं खेल रहा हूँ और वहाँ पे कोई गलत सीन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा है। अब स्टार्टिंग में मैं जल्दी से लेवल अप करता हूँ जंगल करके एंड क्रसल के साथ बॉटम पाथ में पुश कर देता हूँ। बट हमारे लिए एक दिक्कत की बात ये हो जाती है क्योंकि ये लोग बेस के अंदर ऑलरेडी हील हो ही रहे थे एंड ऊपर से इनके साथ था एक एल्डी गॉस। मतलब लिटरली भाई हील पे हील करे जा रहे हैं, बट फिर भी हम समहाउ साइथर को मार ही लेते हैं एंड एल्डी गॉस को भगा देते हैं बेस से। बॉटम वाला बेस क्लियर करने के बाद मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ टॉप पाथ में टीममेट को सपोर्ट करने के लिए एंड यहाँ पे भी हम लोग डिसेंट तरीके से डोमिनेट कर लेते हैं एंड एनिमी बेस में एक का स्कोर बच जाता है खाली। अब क्योंकि टॉप पाथ में हम लोग ऑलरेडी डोमिनेट कर ही रहे थे तो हम लोग फॉल बैक कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद हम पे भी बहुत गंदा वाला पुश आ रहा था। लकीली मेरा यूनिट मूव चार्ज रहता है तो मैं सबसे पहले टाइडेंटर को टारगेट करके मारता हूँ क्योंकि वही सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला था। अब टाइडेंटर पिटते ही भाई एनिमी टीम वाले एक एक करके पतली गली देख के कटने लग जाते हैं तो हम लोग भी डायरेक्ट चले जाते हैं डेजिले के सिक्योर करने के लिए। बट क्योंकि बॉटम पाथ में बहुत ज्यादा पुश आ रहा था बार बार एंड क्रसल भी अकेला था तो मैं चला जाता हूँ उसको हेल्प करने के लिए जल्दी से जल्दी एंड इसके बाद हम लोग बॉटम पाथ में स्कोर भी कर लेते हैं। बट स्कोर करने के बात जो मेरे साथ होता है ना, मेरे को पिटने का बिल्कुल नहीं मन था तो मैं चुपचाप पतली गली देखे कट ही रहा था। सीजर मेरे पीछे हाथ धो के लगा हुआ था एंड तभी भाई वो कम नहीं था, टाइडेंटर भी आ गया। तो फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया अगर मन नहीं है तो थोड़ा इज्जत के साथ फाइट लेके क्यों ना मारा जाए। इसके बाद मैं फिर से चला जाता हूँ क्रसल के साथ रेंजिरॉक सिक्योर करने के लिए बॉटम पाथ में। तभी भाई वहां पर स्टील करने के लिए एल्डी गॉस एंड सीजर फिर से आ जाता है। अगर तुम लोग नोटिस करोगे ना तो मैं अपने यूनिट मूव से जब क्लोन्स आते हैं उनका कवर बना के मस्त यहाँ पर सिक्योर कर ही रहा था लेकिन फिर भी एल्डी गॉस ऊपर से आ जाता है। बट समहाउ मैं इसको सिक्योर कर ही लेता हूँ और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं टॉप पाथ में रेजिलिकी को सिक्योर करने के लिए। हमने ना लिटरली एंड मूवमेंट में रेजिलिकी को सिक्योर किया जिसके लिए हमको एक एडवांटेज मिला कि ये वाला बेस हम लोग ऑफ गार्ड खा गए। सो मैं जल्दी से जल्दी 60 का स्कोर करके अपने बेस की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में मेरे को ये टाइडेंटर मिल जाता है। अब पता नहीं ये भाई बंदा मेरे को अलग इग्नोर कर रहा था, फाइट ही नहीं लेने इसको, फिर भी जबरदस्ती मैं इसको फाइट में एंगेज करता हूं एंड इसको मैं पीटी रहा था। इसको मैं खत्म करने के बाद तभी अचानक से बीच फाइट में ईएसपी ऑन भी आ जाता है तो इसके साथ भी मेरे को फाइट लेना ही पड़ा। यहाँ पे मेरा यूनाइट मूव पूरा वेस्ट हो गया। आई मीन प्रैक्टिकली यहाँ पे मेरा यूनाइट मूव वेस्ट तो नहीं होता लेकिन अगर इस बंदे से मैं यहाँ पे बिना यूनाइट मूव यूज करे मर जाता ना तो मेरे को 20 से 30 सेकंड का तो स्पॉन टाइम लग ही जाता। बट हाँ, एक बात तो है कि यहाँ पे यूनाइट मूव यूज कर लेने की वजह से बाद में रेकोजा स्टील करते वक्त मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। मैं जल्दी से जल्दी बेस से हील करके वापस आता हूँ रेकोजा स्टील करने के लिए। एटलीस्ट प्लान तो मेरा यही था अनटिल अनलेस ये ना हो गया। लिटरली हमारे एक भी बंदे स्टील नहीं कर पाए। मतलब कभी कभी तो मुझे लगता भी कि कौन है ये बंदे जिनको मैं अपना टीममेट बना के रखा हुआ हूँ। एनीवेज मैं पिटने के बाद हमारे टीममेट्स अनसक्सेसफुली हमारे बेस को डिफेंड कर ही लेते हैं एंड रिजल्ट तुम लोग अपने अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर लो थोड़ा। आई मीन रियली दिस मैच वाज अ जर्नी फॉर अस, अ जर्नी फ्रॉम इट्स अ ह्यूज लीड टू इट्स अ क्लोज बैटल। एनीवेज हम लोग समहाउ ये मैच जीत ही जाते हैं। एट द एंड आई रियली होप कि तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तुम लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। एंड वैसे मेरे टीममेट्स को ना यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जीत चुके तो उनको थोड़ा इग्नोर ही मार लेना। सो दिस इज इट फॉर टुडे एवरीवन, मिलता हूं तुम सबसे कल एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।